How are you, students? I hope you all are fine. Chapter number one, the evolution of computer, is completed now. And today's summary is recall chapter number one and exercise E, question number two and question number three discuss karenge. Book page number 13. Chapter number one outline is जो आप चैप्टर नंबर वन में जो जो टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं आज हम दोबारा इसको रिकॉल करेंगे. नंबर फर्स्ट इज़ हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा. कंप्यूटर प्रोसेस डाटा बाय इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इनपुट में रॉ डाटा इनपुट किया जाता है, देन प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट हमें मिल जाता है. ये हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग, बेसिक प्रोसेसिंग सिस्टम. सेकेंड इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. हिस्ट्री में हमने क्या क्या देखा था, द अबैकस, नैपियर बोन्स, द पास्कल लाइन, द लिबनीज कैलकुलेटर, द पंच्ड कार्ड एंड चार्ल्स बेबेज, हर्मन हॉलर्थ. दीज आर द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो टाइम टू टाइम एवोल्यूशन होती रही और साथ साथ जो है एक सिंपल बॉक्स से, अबैकस से स्टार्ट हुआ कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन थी. देन द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में हमने देखा था फाइव जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, ठीक है, जिसकी एग्जांपल थी कंप्यूटर की ENIAC, EDVAC एंड EDSAC. सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें रोबोट्स आते हैं. पेज नंबर 7 पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें फाइव जनरेशन गिवन है, साथ उसका टाइम पीरियड, मेजर टेक्नोलॉजीज उसमें क्या है, कंप्यूटर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे थे इन जनरेशन्स में, वो सारी डिटेल उधर पेज नंबर 7 पे गिवन है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस. These are the types of computing device. These are not the computer device types. ठीक है, computing device की ये types हैं और analog and digital. Analog the continuously values like length, weight and time. And digital device are the digital data is discrete. जो numbers में आता है, numbers में जो calculation होती है वो digital device में आता है. नेक्स्ट इज कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज. कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज इन विच सुपर कंप्यूटर्स, द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, द मिनी कंप्यूटर, द माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर. दीज आर द कंप्यूटर्स वी डिफ्रेंशिएट इन विच अकॉर्डिंग टू देयर साइज. सुपर कंप्यूटर में जो था बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे जो इंडस्ट्रीज लेवल पे, कंपनीज लेवल पे यूज होते थे. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो स्मॉल बिजनेसेस, बैंक्स और यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं. मिनी कंप्यूटर्स बैंक्स में, कॉलेजेस में, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, लाइब्रेरीज में यूज़ होते हैं, लेकिन इनका यूज़ बहुत कम था. द माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स आर द सिंपल कंप्यूटर्स, इट्स अ पर्सनल यूज कंप्यूटर, वी कैन ईजिली यूज़ एट अवर होम्स इन स्मॉल ऑफिसेस. एम्बेडेड कंप्यूटर्स. Embedded computers in which use the microprocessor. These are the small devices like camera, microwave oven, air conditioner, toys, etc. Computers are used basically in so many places like bank, businesses, factories, entertainment companies, advertising companies, medical professional and law economic enforcement agencies. These are the basics of chapter number 1. Okay, now move on page number 13. Question number 1 humne solve kar liya tha pichle lecture mein, and today we will discuss the question number 2, explain how technology could change the following in the coming decade: education and shopping. In the coming decade, technology could change education through mobile devices. Students will be able to listen to lecture and complete assignments on mobile computers such as laptops and smartphones. They will not have to be present in the classroom at all times. They will help to spread
education in rural areas, technology will make shopping more convenient because people will make online purchasing. Technology is help out in our education and shopping areas. Education बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है बाई टेक्नोलॉजी. असाइनमेंट्स और लेक्चर ईजीली मोबाइल फ़ोन्स पे, लैपटॉप पे ईजीली सुन सकते हैं स्टूडेंट्स, और जो है इनको हर वक्त क्लास रूम में भी नहीं जाना पड़ता. जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद होमवर्क जो गिवन होता है वो सॉल्व करते हैं. और टेक्नोलॉजी जो है कि शॉपिंग में भी बहुत ज़्यादा इन है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, जितने जैसे दराज ऐप है, अमेज़ोन ऐप है, इसमें आप ईजीली जो है शॉपिंग कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज़, what is the significant of Charles Babbage contribution to the development of computer technology? Charles Babbage ने क्या contribution दी computer technology में? Charles Babbage contribution is a landmark in computer technology because he provided the blueprint for future development in the field. His work on the analytical and difference engine helped the electronic computer to take shape. These machines showed how calculation and data processing could be carried out through programming and electronic machine. Charles Babbage ने जो first step लिया था electronic device पे, electronic technology पे, तो इसने provide किया था जो future technology है, इसकी इसने बुनियाद रखी थी. और इसमें analytical और difference engine use किए थे, electronic computer की shape दी थी. और इसमें by using electronic machine programming enter की, और एक data processing कैसे होती है, how to calculate by using machine, ये सारा concept जो था, जो basic concept था electronic machine का, वो Charles Babbage ने दिया था. These two questions are your homework. Write down these questions on the sheets. Thank you so much. If you have any query, any questions, you can ask me. Take care. Allah Hafiz.